आज जो FPSC लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज के एक हफ्ते बाद पेपर्स होने वाले हैं, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन है। पिछले वीडियोस के अंदर हमने हिस्ट्री को काफ़ी डिस्कस किया है। बिल्कुल मैंने सिलेबस के मुताबिक है तैयार किया जो FPSC सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है पाकिस्तान स्टडीज के लिए। आज उसमें से एक टॉपिक पाकिस्तान मूवमेंट है जो 1857 से 47 के बीच जितने भी इवेंट्स हुए उन तमाम को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो पिछले पेपर्स में भी काफी रिपीट हुए हैं हिस्ट्री के, तो हम कोशिश करेंगे कि जो दूसरे प्रोफेशनल पार्ट है उसको भी आज लोड कर दें। आज कोशिश करेंगे कि ये पूरा जो पाकिस्तान मूवमेंट 1857 से 47 तक जितना है उसको हम आज कवर करेंगे। तो ये पार्ट 3 है वीडियोस। पिछले दो वीडियोस आप जो है प्लेलिस्ट में मैंने लगा लिया, आप वहां से देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज ये। और इसके साथ एक बात बताती चलूं कि ये एमसीक्यू जो है सीएसएस के लिए, एनटीएस के लिए और पीपीएससी जो एग्जाम्स हैं उन तमाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पास द हिस्टोरिक लाहौर रेजोल्यूशन इन इट्स 27th एनुअल सेशन हेल्ड इन मेंटो पार्क लाहौर ऑन 23rd मार्च 1940। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी कि जो इवेंट्स हैं उनके साथ, मीन्स के सपोज मैंने एमसीक्यूज तैयार किया है तो उस हवाले से और भी डिफरेंट तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, तो उसके भी मैं थॉरली एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी। सेकंड क्वेश्चन है, 1942 मुस्लिम लीग डिड नॉट टेक पार्ट इन, 1942 में मुस्लिम लीग ने जो किस मूवमेंट के अंदर जो है पार्ट जो है नहीं लिया था, मीन्स की क्विट इंडिया मूवमेंट था, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट था, खिलाफत मूवमेंट था या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ये राउंड कॉन्फ्रेंस जो है 1942 वगैरह में नहीं हुआ था, ये 1930, 31, 32 में हुआ था। खिलाफत मूवमेंट 1919 में हुआ था। फिर ये सिविल डिसोबिडियंस भी ये खिलाफत मूवमेंट में ही हुआ था, तो ये 1919 में हुआ था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो है ब्रिटिश सॉरी हिंदूज ने ये मूवमेंट चलाई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट, ब्रिटिश को सब कॉन्टिनेंट से निकालने के लिए। तो मुस्लिम्स ने उनका साथ नहीं दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो मुस्लिम चाह रहे थे कि डिवाइड एंड क्विट, ये उनका मूवमेंट था इसके 1942 में। ठीक है जी, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है मुसलमानों ने हिस्सा नहीं लिया था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट इसका राइट आंसर है। हु वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द कांग्रेस एंड लीग इन लखनऊ इन 1916? तो ये हम सबको पता है कि जो लखनऊ पैक्ट हुआ था जिसमें हिंदूज और मुस्लिम की जो ज्वाइंट मीटिंग हुई थी, उसका आर्किटेक्ट कौन था, किसने किसकी कोशिशों की वजह से ये लखनऊ पैक्ट जो है मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान दे पाया था, तो राइट आंसर है मोहम्मद अली जिना। फ्रॉम 1937 टू 1944 ऑल द 8 एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वर प्रेजेंटेड ओवर बाय मोहम्मद अली जिना। ये भी क्वेश्चन सेम है। मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन द ईयर ऑफ 1937, 1939, 1941 और 1943। तो यहाँ पे मैं बात बताती चलूँ, जो डे ऑफ डिलीवरेंस है, यौम नजात जिसे कहा जाता है, ये कांग्रेस जो मिनिस्ट्री से, इस वक्त जो है कांग्रेस का राज था 1937 से लेकर 1939 तक। तो 1937 से 39 तक इस वक्त कांग्रेस राज था, हिंदू मिनिस्ट्रीज थे, तो हिंदू मिनिस्ट्रीज ने 1939 में रिजाइन दिया था जी। तो उस वक्त कायदे आजम के कहने पर डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था या यौम नजात 1939 को, तो बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे भी मैं बात बताती चलूँ कि सपोज आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है कि डे ऑफ डिलीवरेंस जो है किसके कहने पर जो है मनाया था, तो ये कायदे आजम के कहने पर 1939 में
डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था, यानी बुरी कौमों से नजात का दिन, बुरी गवर्नमेंट से जो है नजात का दिन। नेक्स्ट हमारे पास है मोहम्मद अली जिना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन द ईयर। कायदे आजम ने कब मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था? यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं, 1906 लिखते हैं, हालांकि 1906 नहीं है, इसमें 1913। यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूं कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कायदे आजम ने अपनी सियासी जो कारियर है उसका आगाज कब किया, तो ये 1906 में किया था, और 1913 में जाके, 1913 में जाके कायदे आजम ने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। ये इस और यहाँ पे एक और बात बताती चलूं कि कायदे आजम जो है एट ए टाइम 1913 में कांग्रेस के भी मेंबर थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी थे। 1920 में जाकर कांग्रेस से जो है कायदे आजम ने रिजाइन दिया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय नवाब समीउल्ला। तो मुस्लिम लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय नवाब समीउल्ला। ये जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस था, मुसलमानों का ये एक तालीमी कॉन्फ्रेंस जो सर सैयद अहमद खान ने एस्टेब्लिश किया था, मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो 1886 में, इसमें एक रेजोल्यूशन जो है पास रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था नवाब सलीमुल्ला ने। अक्सर हिस्ट्री बुक्स में नवाब सलीमुल्ला की जगह जो है समीउल्ला भी जो है लिखा गया है, बहुत सारी हिस्ट्री बुक्स के अंदर मैंने पढ़ी है, तो ये दोनों नहीं आएंगे एक साथ, समीउल्ला या सलीमुल्ला, तो इसको समीउल्ला और सलीमुल्ला भी कहा गया है। तो सलीमुल्ला ने रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था, तो जितने भी मेंबरान थे वहां पे एजुकेशनल मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने यूनानिमसली जो है इतफाक राय से उसको जो है एक्सेप्ट किया था, देन इसी तरह मुस्लिम लीग का जो है कयाम अमल में आया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द सिटी ऑफ, ये ढाका में हुआ था, ये एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1906 में ढाका में हुआ था, तो उस वक्त नवाब सलीमुल्ला ने ये रेजोल्यूशन भी पेश किया था। तो ये मुस्लिम लीग कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हुआ? ढाका में। द शिमला डिपुटेशन प्रेजेंटेड इट्स डिमांड्स टू द ब्रिटिश वॉइसराय नेम्ड, कौन सा था गेस कर, इसमें जो शिमला डिपुटेशन प्रेजेंटेड इट डिमांड टू द ब्रिटिश वॉइसराय नेम, किसको किया था जी? 1906 में लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो जो है फर्स्ट ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, लॉर्ड मिंटो, क्योंकि इसमें बहुत सारे मींस के 35 जो है मुस्लिम्स सरागा खान के सरकर्दगी में लॉर्ड मिंटो से जो है मिलने गए थे और अपने कुछ डिमांड्स लेके गए थे शिमला। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मेन डिमांड ऑफ द शिमला डिपुटेशन व्हिच वाज एक्सेप्टेड द मिंटो मोरल रिफॉर्म्स ऑफ 1900 वाज अबाउट मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट मुस्लिम स्टेट, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम द मुंबई। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जो शिमला डिपुटेशन था उसमें जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी डिमांड किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का भी किया था, तो नीचे सी और डी तो कोई उसमें जो है प्रेजेंट नहीं किया था, ये दोनों डिमांड्स है, लेकिन सवाल पे आपने गौर करना है कि व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ द शिमला डिपुटेशन, के उसमें जो मेन डिमांड था वो कौन सा था जिसको जो है 1909 में जो है उसको एक्सेप्ट किया था, तो वो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द शिमला डिपुटेशन, तो उसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स और रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेशन, तो वो तमाम ऑप्शन आए तो उसमें ऑल ऑफ अबव होगा, तो आपने वो लिखना है। और कुछ ऑप्शंस में आप इस तरह आ सकता है कि सारे डिमांड्स लिख देंगे लेकिन उसमें ये कहेंगे कि व्हाट वाज द मेन डिमांड, तो उसमें मेन डिमांड में जो है आपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स आपने लिखना है। तो एक्सप्लेनेशन के साथ मैं कर रही थी, तो काफी ये वीडियो लॉन्ग जा रहा है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह इसके साथ ही अगले 5 मिनट में मैं दोबारा लोड करूंगी। तो प्लीज काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये एक मेरे लिए मोटिवेशन होता है।
तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे।